सब्सक्राइब करें टेक सर्वाइवल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के। तो दोस्तों मेरा नाम है अहसन अली और आप देख रहे हैं टेक सर्वाइवल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं MIUI 10 ग्लोबल बीटा रोम 9.1.3 के फुल चेंज लॉक के बारे में। तो आज मैं स्टूडियो में आपके साथ बात करने वाला हूँ 9.1.3 के फुल चेंज लॉक के बारे में कि भाई हमें किन किन डिवाइसेज में क्या क्या देखने को मिला है, कौन कौन से फिक्सेस देखने को मिले हैं, क्या क्या कुछ नया देखने को मिला है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ ये सभी कुछ शेयर करने वाला हूँ। तो उम्मीद है कि फ्रेंड्स आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर हमें MIUI 10 जो ग्लोबल पब्लिक बीटा रोम है फ्रेंड्स ये हमें देखने को मिलेगा कुछ ही सपोर्टेड डिवाइस में जो कि Redmi 3 है, सीरीज प्राइम है, Redmi नोट 4 है, Redmi नोट 3 है, Redmi 4 है, MI मैक्स है, MI मैक्स प्राइम है, Redmi 4A है, Redmi 5A है, Redmi नोट 4X, Redmi Y1 वगैरह वगैरह काफ़ी डिवाइसेज हैं इसमें जो जिसमें हमें ये देखने को मिलेगा। आप ये ध्यान से देख लीजिए, शायद इसमें आपकी भी डिवाइस हो सकती है अगर तो आप इन डिवाइसेज से बिलोंग करते हैं, अगर तो आप इन डिवाइसेज के यूज़र्स हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर उसके बाद मैं आपके साथ बात करूँगा इसके चेंज लॉक के बारे में। तो आप चेंज लॉक के बारे में देख सकते हैं फुल चेंज लॉक में। यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर फिक्स किया गया है रैंडम रिबूट जो कि MI 8 में था और पोको F1 में और Redmi नोट 4 में। फ्रेंड्स जो मतलब ये कहें रैंडमली रिबूट हो जाता था हमारा जो फ़ोन था तो इसे अब फिक्स कर दिया गया है। और दूसरे नंबर पर जो हमारा फिक्स है वह है फ़ोन गेट्स हीट व्हेन यूजिंग MI मिक्स 3। मतलब कि फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा फ़ोन था वो काफ़ी हीटिंग करता था जब हम फ़ोन को यूज़ करते थे MI मिक्स 3 में, और ये जो प्रॉब्लम थी ये MI मिक्स 3 में थी। और यहाँ पर तीसरे नंबर पर जो हमारा फिक्स है वो है सेटिंग ऐप हैज़ स्टॉप्ड व्हेन क्लिक साउंड एंड वाइब्रेशन, और ये Redmi 5 में था। मतलब कि जब हम कोई भी अपनी सेटिंग में कोई साउंड एंड वाइब्रेशन पर कोई भी क्लिक करते थे तो उस दौरान हमारा जो सेटिंग ऐप था वो बंद हो जाता था, और ये जो प्रॉब्लम थी ये Redmi 5 में थी और इसे अब यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। तो यहाँ पर अगला जो फिक्स है वो है कैन नो रजिस्टर टू वोल्टे MI 8। मतलब कि हम जो वोल्टे है उसमें हम रजिस्टर नहीं हो रहे थे जो कि MI 8 में था, ये इशू था और यहाँ पर इसे फिक्स कर दिया गया है। और उसके आगे जो हमारा है फिक्स वो है ऑटो ब्राइटनेस इज़ नॉट वर्किंग वेल। मतलब ये जो ब्राइटनेस का था, ऑटो ब्राइटनेस होता है हमारे लिए, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पर मेरे भी है, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये देख सकते हैं यहाँ पे ऑटो ब्राइटनेस, और ये किस फ़ोन में नहीं वर्क कर रहा था मैं आपको फ्रेंड्स दिखाता चलूँ, और ये वर्क नहीं कर रहा था MI 8 में और Redmi नोट 4 में, इन दो डिवाइसेज में ये वर्क नहीं कर रहा था, तो यहाँ पर इसे फिक्स किया गया है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर अगला जो फिक्स है वो है मोबाइल डेटा इज़ नॉट वर्किंग आफ्टर अपडेटिंग। मतलब कि पोको F1 और MI 8 में जब हमने अपडेट कोई वगैरह किया था, मतलब कि जो पिछली अपडेट आई थी उसमें ये वर्क नहीं कर रहा था, तो अब इसमें ये वर्क करेगा। और अगला फिक्स है ये, और अगला फिक्स जो है वो है इक्वलाइजर इज़ नॉट वर्किंग जो कि Redmi 5A में था, ये जो फिक्स था। और लोकेशनलाइजेशन जो था इसमें फिक्स आया है स्लाइडर सेटिंग वेयर नॉट ट्रांसलेटेड टू पोलिश। फ्रेंड यहाँ पर ट्रांसलेटेड का कुछ था स्लाइडर सेटिंग में और ये सभी डिवाइसेज में था, इसे भी फिक्स किया गया है। और अगला नंबर है फिक्स का जो है कंपास इज़ नॉट ट्रांसलेटेड टू रशियन। कंपास का कोई कुछ इशू था जो कि ट्रांसलेटेड नहीं था रशियन में, तो ये भी काफ़ी डिवाइसेज में था, तो इसे भी कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है। और अगले नंबर पर जो है वो है हमारा दी कीबोर्ड डिस्प्ले इन रिवर्स ऑर्डर विथ पिन अनलॉक इन अराबिक। फ्रेंड्स यहाँ पर भी कुछ जो हमारा कीबोर्ड है वो डिस्प्ले नहीं हो रहा था रिवर्स में, जो कि मतलब पिन कोड अराबियन के साथ ऐसा ही कुछ है, मतलब कि जो भी हमारी अराबियन का पिन लॉक वगैरह था उसमें ये कुछ प्रॉब्लम कर रहा था, तो इसे भी फिक्स किया गया है। और उसके बाद वेदर ऐप में स्टॉप हो जाता था काफ़ी डिवाइसेज में, तो इसे भी अब फिक्स कर दिया गया है। और लॉक स्क्रीन में है दी स्टेटस आइकॉन इज़ डिफरेंट बिटवीन लॉक स्क्रीन एंड मोर स्क्रीन। मतलब ये Redmi 5A में जो भी हमारे स्टेटस आइकॉन वगैरह थे वो डिफरेंट थे स्क्रीन लॉक से और होम स्क्रीन से, तो यहाँ पर इसे फिक्स किया गया है। और उसके बाद यहाँ पर है स्क्रीन लॉक इन्फो एरर। मतलब कि ये MI 5S में जो बता रहा था कि हमारे लॉक स्क्रीन का जो इन्फो था वो एरर दे रहा था, तो इसे भी अब कर दिया गया है फिक्स। और अगले नंबर पर Redmi 6A में है जो कि कांट सेंड अ मैसेज, मतलब कि हमारे मैसेजिंग जो थे वो सेंड नहीं हो रहे थे Redmi 6A में, तो यहाँ पर इसे भी फिक्स कर दिया गया है। और उसके बाद बात करते चलें ब्लूटूथ के बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर MI सेल्फी स्टिक रिपोर्ट विथ ब्लूटूथ रिमोट कैन टेक अ फोटो। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता चलूँ जो पोको F1 में था ये जो प्रॉब्लम थी, मतलब कि जब हम अपनी कोई सेल्फी स्टिक वगैरह को या ट्रिपॉड को हम करते थे अपने ब्लूटूथ के जरिए अटैच करते थे अपने फ़ोन के साथ, तो ये पिक्चर को क्लिक नहीं करता था, मतलब टेक नहीं करता था, तो यहाँ पर ये पिक्चर नहीं ले पा रहा था, तो इसे फिक्स किया गया है। और उसके साथ व्हाट्सएप कैन नॉट फिट परफेक्टली विथ
विथ विदाउट नोच Redmi 6 है, मतलब कि फ्रेंड्स जहाँ जो भी नोच वाले मोबाइल्स हैं ना, जैसे कि Redmi 6 प्रो है, इनमें जो भी फ़ोन्स हैं इनमें मतलब जो व्हाट्सएप स्टेटस था वो सही से परफेक्टली नहीं फिट होता था, तो इसे अब फिक्स कर दिया गया है। और उसके साथ अगला फिक्स जो है वो कांट प्ले वीडियोज़ ऑन फुल नोच एरिया, जो कि Redmi नोट 6 प्रो में था, इसे भी फिक्स किया गया है। उसके साथ गूगल ओके गूगल डज नॉट वर्क वेल MI मिक्स 2S, मतलब कि जो MI मिक्स 2S है इस फ़ोन में, जो ओके गूगल है वो सही से वर्क नहीं कर रहा था, तो इसे भी फिक्स किया गया है। और उसके साथ ओकल ओके गूगल डज नॉट वर्क पोको F1, फ्रेंड्स पोको F1 में काफ़ी जो हैं जो के प्रॉब्लम्स आई हैं वो फिक्स की गई हैं। तो फ्रेंड्स ये थी जितना भी मतलब के फुल चेंज लॉग था, मैंने आपके सामने शो कर दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या क्या था इसमें। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अब मेरी अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और उसके साथ अगर आपको कुछ सुझाव है तो वो आप कमेंट में छोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।